हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आयुषमानी चौधरी वेलकम यू ऑल इन टुडेज लेक्चर ऑफ होम साइंस। सो हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स? वेरी गुड इवनिंग ज्योति। बाकी स्टूडेंट्स भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, जो लास्ट टाइम हमारा टॉपिक रह गया था उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। ओके, सो दिस इज योर इंस्टा चैनल, इंस्टा पेज ऑफ फिलोफॉर्म, जिस पर आपको सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज दी जाती हैं। ओके, टाइम टू टाइम अपडेट आपको यहां से मिलती रहती हैं। एंड साइड में आपका व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, मेंशन किया गया है यूजीसी पेपर फर्स्ट के लिए, जो आपको फ्री में अवेलेबल होने वाला है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, फ्री में अवेलेबल होंगे आपको यूजीसी नेट की जो फर्स्ट क्लासेस होंगी वो। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पीजीटी और टीजीटी की जो आपका कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है 15 अगस्त से, आप सभी को ये चीज पता है। ठीक है, गिवन टाइम पर, यानी कि जो टाइम आपको यहाँ टाइम टेबल में मेंशन किया गया है उसी टाइम पर आपकी सारी क्लासेस होती हैं, कोई भी क्लास आपकी स्किप नहीं होगी। ठीक है, तो क्लासेस करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कोई भी अगर अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो गिवन व्हाट्सएप नंबर पे या वेबसाइट पर जाकर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, सीटेट का बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, सेम आपकी डेली क्लासेस लग रही है, और साथ ही साथ आपका रीट का बैच भी स्टार्ट हो चुका है और उसकी क्लासेस भी आपकी टाइम टू टाइम होती है। ओके, लास्ट टाइम हमने किसकी बात करी थी स्टूडेंट्स? फिनिशिंग हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था। ओके, फिनिशिंग हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि फिनिशिंग क्या करते हैं, और उसमें हमने देखा था कि कपड़ों को वॉश करने के बाद, मतलब कपड़ों को धुलने के बाद उनको हमें पानी में भी निकालना होता है, क्लीन वाटर में, जिसमें सोप ना हो, डिटर्जेंट ना हो। उसमें कुछ टाइप्स आए थे फिनिशिंग के, जैसे कि आपका आया था ब्लूज एंड ऑप्टिकल ब्राइटनर्स, स्टार्चेस आए थे, कुछ स्टिफनिंग एजेंट्स आए थे। ठीक है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। जिलेटिन क्या होते हैं, बोरेक्स क्या होता है, ये आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किए गए थे। ड्राइंग मेथड हमने पढ़ा था, आयरनिंग पढ़ा था, आयरनिंग में हमने टाइप्स पढ़े थे कि हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, प्रेशर की जरूरत होती है और मॉइस्चर की जरूरत होती है। ये हमारा कवर हो गया था। इन तीनों डायग्राम के थ्रू डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था कि कैसे हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, कैसे प्रेसिंग की जाती है और कैसे मॉइस्चर कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है टू द क्लोथ्स, ताकि आयरनिंग अच्छे से हो। ओके, उसके बाद जो आपका टॉपिक स्टार्ट होना था वो था आपका ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग के बारे में हम पढ़ने वाले थे। ओके, ड्राई क्लीनिंग आपका क्या होता है? ज्योति बच्चे, आज मेरा बर्थडे नहीं है, चल आप टीचर्स डे लिखना चाह रहे थे, तो थैंक यू सो मच ज्योति। ओके, अच्छा टीचर्स के लिए बर्थडे ही हो गया ना, टीचर्स डे, थैंक यू सो मच ज्योति। चलिए ड्राई क्लीनिंग के बारे में हम बात करते हैं कि ड्राई क्लीनिंग क्या होता है। ड्राई क्लीनिंग कैन बी डिफाइंड एज द क्लीनिंग ऑफ फैब्रिक्स इन अ नॉन एक्वस लिक्विड मीडियम। नॉन एक्वस लिक्विड मीडियम में जब हम क्लीन करते हैं
कपड़ों को, किसी भी फैब्रिक को, उसको ड्राई क्लीनिंग जाता है। एक्विस का मतलब क्या होता है? लिक्विड वाटर। जब हम बिना पानी के, ठीक है, बिना पानी वाले लिक्विड में कपड़ों को वॉश करते हैं या क्लीन करते हैं, ठीक है, वॉश नहीं, क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, तो उसको हम ड्राई क्लीनिंग बोलते हैं। द इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ड्राई एंड वेट सॉल्वेंट इज दैट व्हाइल वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द फाइबर्स, वेट सॉल्वेंट्स और ड्राई सॉल्वेंट्स में क्या फर्क होता है? ड्राई और वेट सॉल्वेंट्स में क्या डिफरेंस होता है कि वाटर जो होता है एब्जॉर्ब हो जाता है बाय द फाइबर्स, यानी कि फाइबर्स पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से कपड़े में श्रिंकेज आ जाती है, कपड़ा सुकड़ जाता है, ठीक है, रिंकल आ जाती है, ठीक है, सलवटें पड़ने लग जाती हैं और कलर ब्लीडिंग यानी कि कलर निकलने लग जाता है कपड़ों से। लेकिन जब ड्राई सॉल्वेंट्स का हम यूज करते हैं तो फाइबर जो होते हैं वो स्वेलिंग कॉज नहीं करते, श्रिंकेज नहीं होती, इसलिए ड्राई क्लीनिंग को एक सेफ मेथड माना जाता है जो हमारे डेलिकेट फैब्रिक्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। इसीलिए जो आपने देखे होंगे जो कॉटन लिनन के हल्के कपड़े में जो कुर्ता पजामा हुए, व्हाइट कलर के हुए स्पेशली, उनको साड़ियों के जो फैब्रिक होते हैं, जो डिफरेंट मतलब की डेलिकेट साड़ियाँ होती हैं, उन साड़ियों में क्या यूज होता है? मोस्टली उन्हें ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजा जाता है, क्योंकि वो सेफ प्रोसेस है, ना उसमें कलर खराब होगा, ना उसमें श्रिंकेज होगी और रिंकल फॉर्मेशन भी नहीं होता, यानी कि फाइबर्स जो होते हैं वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इसलिए फाइबर्स स्वेलप नहीं होते हैं, फूलते नहीं है, ठीक है। ये होती है आपकी ड्राई क्लीनिंग। फॉर ड्राई क्लीनिंग द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट यूज्ड आर परक्लोरोइथाइलीन, अ पेट्रोलियम सॉल्वेंट फॉर, और आप फ्लोरोकार्बन सॉल्वेंट, ठीक है। ड्राई क्लीनिंग के लिए जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है उस सॉल्वेंट में क्या यूज होता है? परक्लोरोइथाइलीन, जो कि एक पेट्रोलियम सॉल्वेंट होता है, जिसको फ्लोरोकार्बन सॉल्वेंट भी बोला जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना, ओके। ड्राई क्लीनिंग इज जनरली डन इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स एंड नॉट एट द डोमेस्टिक लेवल। आप सभी को पता है जो ड्राई क्लीनिंग होती है वो डोमेस्टिक लेवल पर नहीं होती है, घरों में नहीं करते हैं ड्राई क्लीनिंग, हमेशा बाहर भेजे जाते हैं कपड़े, ठीक है, कपड़े हमेशा बाहर भेजे जाते हैं ड्राई क्लीनिंग के लिए, ओके। अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो हमारे फैब्रिक को अफेक्ट करते हैं, जो हम कपड़ों की देखभाल करते हैं उन देखभाल के टाइम में भी कुछ फैक्टर्स ऐसे आ जाते हैं जो हमारे कपड़ों की देखभाल को भी अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं? दिस सिलेक्शन, यूज एंड केयर ऑफ फैब्रिक्स डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स, जैसे कि फाइबर कंटेंट, यार्न की स्ट्रक्चर, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, कलर एप्लीकेशन, फिनिशिंग, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्ट को कंसीडर्ड करेंगे, जो उनको कंसीडर्ड करेंगे कि कपड़ा जो होगा, फैब्रिक जो होगा, उसकी जो अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है, उनके लिए भी क्या होता है, स्पेसिफिक केयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो आपकी फिनिशिंग हुआ, कलर हुआ, फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन हुआ, यार्न की स्ट्रक्चर हुई, ये सारी चीजें डिसाइड करती है कि जो आपका फैब्रिक की केयर आप कर रहे हो वो अफेक्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो इसलिए फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फाइबर किस टाइप का है, ठीक है, फाइबर में कौन कौन सा कंटेंट यूज हुआ है, यार्न की स्ट्रक्चर कैसी है, फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन किस बेसिस पर हुआ है, कलर कौन से यूज किए गए हैं, कलर का प्रोसेस क्या क्या था, और फिनिशिंग कैसे हुई है फैब्रिक की, ये फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि जो फैब्रिक केयर है वो अफेक्ट होगी या नहीं होगी, ओके। अब इसको हम इस टेबल के थ्रू समझेंगे, आई होप आपको ये अच्छे से दिखाई दे रही होगी। तो सबसे पहले अगर हम कॉटन एंड लिनन की अगर हम बात करें, ठीक है, कॉटन और लिनन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग फाइबर्स इसकी किसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉटन की, यानी कि कॉटन एंड लिनन में जो फाइबर यूज होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और गीला होने पे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्ट्रॉन्गर व्हेन वेट, कैन विदस्टैंड हार्ड फ्रिक्शन, और जो फ्रिक्शन होता है उसको भी हार्ड मेंटेन करके रख सकता है, ठीक है। Resistant to alkalis can be easily washed with strong detergent, यानी कि alkali solution जो होता है उसको resist करता है, उससे बचाता है, और detergent जो strong detergents होते हैं उनसे easily
कॉटन एंड लिनन जो होता है वो क्लीन हो जाता है। फिर आपका आ जाता है हाई टेम्परेचर के साथ भी रह सकता है, ऐसा नहीं है कि हाई टेम्परेचर को नहीं झेल पाएगा, ठीक है। इफ नेसेसरी कैन बी बॉयल, अगर ज्यादा जरूरत होती है तो क्लीनिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो उसमें कॉटन एंड लिनन को हम गर्म पानी में बॉयल भी कर सकते हैं, यानी कि अगर हम बॉयल एकदम उबला हुआ पानी भी अगर हम कॉटन एंड लिनन फैब्रिक के लिए यूज करते हैं तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज किए होते हैं और जितने भी ब्लीचेस हम यूज करते हैं उनका भी रेजिस्टेंट, उनको भी रेजिस्ट करता है, यानी कि उनसे भी बचाता है उनको यूज। ऐसा नहीं है कि हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या ब्लीचेस यूज किया, ठीक है, वो हम इसके साथ यूज नहीं कर सकते, रेजिस्टेंट होता है उनके लिए। और एसिडिक सब्सटेंसेस वीक इन द फाइबर, अगर हम कॉटन एंड लिनन में एसिडिक सब्सटेंस का यूज करते हैं तो वो भी क्या होगा, वो वीक करेगा किसको, कॉटन एंड लिनन फैब्रिक को। इजीली क्रश्ड हो जाता है यानी कि सिकुड़ जाता है आसानी से, तो इसलिए प्रेस करने की, आयरन करने की बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा जरूरत होती है ताकि वो जो सिकुड़न उसमें आई है, जो रिंकल्स उसमें पड़े हैं वो हट जाए। फंगस अटैक कर सकती है, यानी कि फंगस लगने के चांसेस होते हैं। हैविली स्टार्च्ड अगर हम कपड़े को कर देते हैं कॉटन या लिनन का तो इट अटैक्ड बाय सिल्वर फिश। किसी को सिल्वर फिश का मतलब पता है यहाँ पे? अच्छा, आज ज्योति का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे ज्योति, गॉड विल ब्लेस यू, बहुत अच्छे दिन बर्थडे आता है ना तुम्हारा, टीचर्स डे वाले दिन, ओके। चलिए, हाँ, तो अगर इसको बहुत ज्यादा स्टार्च कर दिया जाता है कॉटन एंड लिनन को तो सिल्वर फिश इस पर अटैक कर सकता है। एक्चुअली सिल्वर फिश कुछ नहीं है, एक इंसेक्ट का ही नाम है, जैसे फंगस अटैक कर सकता है ऐसे ही सिल्वर फिश भी अटैक कर सकता है, ओके। ये होते हैं आपकी प्रॉपर्टीज, किसकी थी प्रॉपर्टीज, कॉटन एंड लिनन की, जो आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन किया। अब इनकी केयर की हम बात करते हैं, जैसे कि एसिडिक रिएजेंट यूज शुड बी रिंस्ड एंड न्यूट्रलाइज्ड। अगर एसिडिक रिएजेंट्स हमने यूज किए हैं, उनका जो यूज किया उनको अच्छे से धोलने के बाद उनको न्यूट्रलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। नीड्स टू बी डैम्प फॉर आयरनिंग और मे स्क्रॉच, आयरन करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। शुड बी कम्प्लीटली ड्राई, अच्छे से ड्राई करना पड़ेगा कॉटन एंड लिनन के कपड़ों के, और जहां पर हम कपड़ों को स्टोर करेंगे वो जो एरिया होना चाहिए, वो जो स्टोरेज स्पेस होना चाहिए, वो वहां पे ह्यूमिडिटी एटमोसफेयर कम होना चाहिए, मॉइस्चर कम होना चाहिए, ठीक है। नीड टू बी डी स्टार्च इफ स्टोर ओवर लॉन्ग पीरियड, लंबे टाइम तक अगर कॉटन का कपड़ा आपका रखा हुआ है तो उसको डी स्टार्च यानी कि दोबारा से स्टार्च करने की जरूरत पड़ जाती है। शुड बी हैंडल जेंटली ड्यूरिंग लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग के टाइम पर आराम से हैंडल करना पड़ता है क्योंकि डेलिकेट कपड़े होते हैं जितने भी कॉटन और लिनन के होते हैं तो फटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इस, ओके सॉरी एक मिनट, हाँ, ये आपकी प्रॉपर्टीज किसकी आ गई थी, ये आपकी यहाँ तक नीड टू बी डिस्टार्ज्ड, ये होता है आपका केयर रिक्वायरमेंट्स थी आपकी कॉटन की, ओके। अब हम बात करते हैं वूल की, वूल जो होता है उसमें जो यूज होता है वूल में वो होता है वीक फाइबर होता है वूल आपका, एंड व्हेन इट इज वेट वीकन्स फर्दर, और जब गीला हो जाता है तो ये और ज्यादा वीक हो जाता है। वैसे तो वीक फाइबर रहता ही है वूल का, लेकिन गीला होने पर ये और भी ज्यादा वीक हो जाता है। इजिली डैमेज्ड बाय एल्कलाइन सब्सटेंसेस, यानी कि जो एल्कलाइन सब्सटेंसेस होंगे उनसे आसानी से क्या हो सकता है, ये डैमेज हो सकता है एल्कलाइन सब्सटेंसेस। ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट्स एंड स्टेन रिमूविंग एजेंट्स हैव नो डिलेटेरियस इफेक्ट, यानी कि जितने भी ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट्स होते हैं और स्टेन रिमूविंग एजेंट्स हैं उनमें उनका कोई भी डिलेटेरियस इफेक्ट नहीं होता। डिलेटेरियस इफेक्ट मतलब कि कुछ भी नुकसान नहीं इसको पहुंचाएंगे, ओके। व्हेन वूल इज सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल एक्शन लाइक एजिटेशन ड्यूरिंग वॉशिंग दे हैव अ टेंडेंसी टू फोल्ड एंड श्रिंक, जब भी वूल को कोई भी मैकेनिकल एक्शन प्रोवाइड कराया जाता है तो जो वॉशिंग के टाइम पे एजिटेशन एक्शन शुरू होता है, एजिटेशन एक्शन क्या होता है, जो वाटर का मूवमेंट होता है, इररेगुलर मूवमेंट जो होता है वाटर का, ठीक है, तो वॉशिंग के टाइम पे जो एजिटेशन होती है उनके पास एक टेंडेंसी होती है कि वो कपड़े को सिकुड़ा सकते हैं या फिर उनको फेल्ट कर सकते हैं। फेल्ट का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है फेल्ट का मतलब क्या होता है? जैसे श्रिंक हो गया आपका क्या, सॉरी श्रिंक हो गया आपका क्या, कपड़ों का सिकुड़ना, ऐसे ही आपका फेल्ट क्या होगा, रिलेट करो,
फेल्ट का देखो, फेल्ट जैसे यहाँ पे आप देखो, व्हेन वूल इज सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल एक्शन लाइक एजिटेशन, कि जब भी हम ऊन को, ठीक है, गरम कपड़ा जो होता है, उस गरम फैब्रिक को जब भी हम मैकेनिकल एक्शन प्रोवाइड कराते हैं जैसे कि एजिटेशन, तो उनके पास टेंडेंसी यानी कि क्षमता होती है कि या तो वो कपड़ा श्रिंक हो जाएगा, सुकड़ जाएगा या फेल्ट हो जाएगा। यानी कि आपने दो तीन कपड़े एक साथ डाले, वो कपड़े आपस में चिपकेंगे भी तो सही, इलझेंगे भी तो सही, तो जो इलझना होता है, ठीक है, आपस में उन्हीं कपड़ों का जब बार बार धुलेंगे, अगर उन्हीं कपड़ों में से धागे निकले हुए हैं तो क्या हो जाएगा, वो धागे आपस में लपट जाएंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, इंटरलॉक हो जाएंगे। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि फेल्टिंग, ठीक है। फेल्टिंग आई थिंक मैंने आपको पढ़ाया भी था, शायद, पता नहीं पढ़ाया है कि नहीं, बट मुझे ऐसा ध्यान है जैसे शायद मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या आती हैं, कि शुड बी हैंडल जेंटली ड्यूरिंग लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग के टाइम पर आराम से हैंडल करना चाहिए। डिटर्जेंट्स जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट्स जो आपके होते हैं वो, और सोप्स जो होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। आपने टीवी में एड देखा होगा, उनमें बोला जाता है कि उन्हीं कपड़ों के लिए बोला जाता है कि कंफर्ट का यूज करो या फिर इजी का यूज करो, क्योंकि वो कपड़ों को सॉफ्ट रखता है, और जो आपके सोप्स और डिटर्जेंट्स होते हैं ये हैवी होते हैं काफी ज्यादा, जिससे क्या होता है आपका कि जो आपका वूल होता है उसकी जो शाइन होती है, उसकी जो सॉफ्टनेस होती है वो खत्म हो जाती है। इसलिए इनको सोप से और डिटर्जेंट से धोना अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ब्लीचेस हैव टू बी यूज्ड विद केयर, कुछ ब्लीचेस ऐसी होती है जिनको हम यूज कर सकते हैं लेकिन उसमें प्रॉपर केयर रखनी पड़ती है। वॉशिंग इन कोल्ड वाटर, अगर हम ठंडे पानी में वॉश करते हैं विद मिनिमम हैंडलिंग इज एडवाइस, यानी कि ठंडे पानी में धोना एडवाइस दी जाती है। देखा होगा सर्दियों में लोग क्या करते हैं, इस वजह से कि हमें खुद को सर्दी ना लगे, उन ठंडे उन कपड़ों को ठंडे पानी में निकाल करके गर्म पानी में निकालते हैं, जो कि गलत होती है, ठीक है। उससे उसकी जो चमक है, उसकी जो शाइन है, उसकी जो क्वालिटी है फैब्रिक की, वो सब खराब हो जाती है। हमेशा वूल वाले कपड़े, ऊनी कपड़ों को हमेशा कंफर्ट वॉश से या इजी वॉश से करना चाहिए, जिसमें लाइटली, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट और सोप्स नहीं होते हैं, उनसे वॉश करना चाहिए, और हमेशा ठंडे पानी में धोने चाहिए, ठीक है। सॉफ्टनेस बनी रहती है, वार्मनेस बनी रहती है कपड़े के अंदर। सिल्क की अगर हम बात करते हैं, सिल्क भी एक स्ट्रॉन्ग फाइबर है, सभी को पता है, बट इट इज वीकर व्हेन इट इज वेट। लेकिन जब सिल्क गीला हो जाता है तो वो वीक हो जाता है। केयरफुल हैंडलिंग इज रिक्वायर्ड इन वॉशिंग ऑफ सिल्क, इसीलिए धुलने के टाइम पे, वॉशिंग के टाइम पे जो हम सिल्क की केयर होती है, उसको जो हैंडलिंग होती है वो बहुत अच्छी आराम से करनी चाहिए। डैमेज्ड बाय स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, ऑर्गेनिक एसिड्स और यूज्ड इन द फिनिशिंग। फिनिशिंग के टाइम पे अगर हम सिल्क में ऑर्गेनिक एसिड्स का या स्ट्रॉन्ग एल्कलीज का यूज कर देते हैं तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है, सिल्क को, सिल्क फैब्रिक को डैमेज कर सकता है। ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट्स एंड स्पॉट रिमूविंग एजेंट्स डू नॉट डैमेज सिल्क। जितने भी ड्राई क्लीनिंग वाले आपके सॉल्वेंट्स हैं, यानी कि ड्राई क्लीनिंग में जितने भी सॉल्वेंट्स यूज होते हैं, जो या फिर जो हम स्पॉट रिमूवल को, यानी कि स्टेन रिमूवल जो हम सॉल्वेंट्स यूज कर रहे थे, अगर हम इस टाइप का कोई भी एजेंट यूज करते हैं वो सिल्क को खराब नहीं करेगा, ठीक है। डज नॉट स्ट्रेच और श्रिंक ऑन वॉशिंग, धुलने के टाइम पे ना तो कपड़े को स्ट्रेच करना है जो सिल्क फैब्रिक होगा, ना उसको श्रिंक करना है, सुकड़ना भी नहीं है, क्योंकि जो उसकी रिजिलियंस होती है वो मीडियम होती है, जिसकी वजह से उसमें रिंकल्स पड़ सकते हैं यूज करने के टाइम पे। सिल्क का कपड़ा आपने भी देखा होगा, अगर उसको सुकड़ देते हैं ना तो उसमें बहुत जल्दी रिंकल्स पड़ जाते हैं, ठीक है। फिर स्कॉर्चेस इजीली इफ आयरन एट हाई टेम्परेचर यूजिंग ड्राई हीट, ठीक है, अगर अच्छे टेम्परेचर पे, ठीक है, ड्राई हीट अगर हम इसको प्रोवाइड कराते हैं और अच्छा टेम्परेचर रखते हैं, किसका, फैब्रिक, सॉरी आयरनिंग का अच्छा टेम्परेचर रखते हैं, तो क्या होगा, स्कॉर्च जो होंगे, यानी कि स्कॉर्च के क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं बेसिकली, जो गारमेंट में पड़ जाते हैं, यानी कि जैसे कि सुकड़न हो गई, ठीक है, वो जो मार्क हो गए उनको आप रिमूव कर सकते हो, या जगह जगह जो स्पॉट्स बन जाते हैं, ठीक है, जैसे कि एक ब्राउन स्पॉट बन गया, उसको क्या ये रिमूव कर सकता है, सिल्क से रिमूव किए जा सकते हैं, ठीक है। सिल्क गेट्स वीकेंड इफ एक्सपोज फॉर लॉन्ग टाइम टू सनलाइट, अगर हम सिल्क के कपड़े को बहुत लंबे टाइम तक सनलाइट में रखते हैं
तो ये वीक हो जाता है, इसलिए अवॉइड करना चाहिए देर तक सनलाइट में रखने से भी, ठीक है। ज्यादा टाइम तक सनलाइट में सिल्क वाला फैब्रिक नहीं सुखाना चाहिए। रेजिस्ट अटैक्स बाय मिल्ड्यू एंड बैक्टीरिया बट आर ईटन बाय कारपेट बीटल्स, ठीक है। जो मिल्ड्यू होते हैं आपके और जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे तो अटैक को रेजिस्ट करता है, उनसे तो बचाता है, लेकिन जो कारपेट बीटल्स होते हैं उनसे आपको, मतलब ये सारे आपके इंसेक्ट्स के नेम है, उनसे वो सिल्क को खराब कर सकते हैं। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या, उसकी केयर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है। जेंटल फ्रिक्शन शुड बी यूज्ड व्हाइल वॉशिंग, यानी कि ज्यादा जोर से झटक के कपड़े नहीं धोने, बहुत आराम से धोना है कपड़े को। माइल्ड डिटर्जेंट शुड बी यूज्ड, डिटर्जेंट होना चाहिए वो स्ट्रांग नहीं होना चाहिए आपका। ब्लीचेस को यूज कर सकते हैं लेकिन उसके साथ प्रॉपर केयर रखनी पड़ेगी। प्रेस करने की जरूरत पड़ती है आयरन पे, क्योंकि रेजिलियंस मीडियम होता है इसलिए वो सुकड़ जाता है, स्कॉर्चेस उसमें बढ़ जाते हैं। इट शुड बी थोरली डैम्प एंड आयरन एट लो टेम्परेचर, यानी कि अच्छे टेम्परेचर में, कम टेम्परेचर में अगर हम केयर करते हैं उसकी, आयरन करते हैं, तो स्कॉर्च को खत्म कर सकता है। ड्राई क्लीन करने की जरूरत पड़ती है एंड एयर्ड प्रॉपरली बिफोर स्टोरेज, और स्टोर करने से पहले उसको अच्छे से हवा भी लगानी पड़ती है, ठीक है। इसलिए डायरेक्टली धूप में नहीं सुखाना चाहिए, एयर एरिया में सुखाना चाहिए जहां पे धूप नहीं आती हो, ठीक है। एंड शुड नॉट बी स्टोर इफ सॉइल्ड, अगर मिट्टी से सना हुआ कपड़ा है या थोड़ा सा भी उसमें मिट्टी लगी हुई है तो उसको स्टोर नहीं करना चाहिए, यानी कि उसे बिना धुले नहीं रखना चाहिए, वरना जो बीटल्स हुए, कारपेट बीटल्स हुए, इस टाइप के जो इंसेक्ट्स हैं वो उसमें लग सकते हैं। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट रेयन। रेयन क्या करता है, रेयन स्ट्रेंथ ऑफ द मोस्ट ऑफ द रेयन्स इज रिलेटिवली लो, जो स्ट्रेंथ होती है रेयन की वो कम रहती है, एंड फर्दर डिक्रीज व्हेन द फाइबर्स आर वेट, और जब फाइबर्स गीले हो जाते हैं रेयन के तो वो और भी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, यानी कि और भी ज्यादा लो हो जाती है स्ट्रेंथ। केमिकली आइडेंटिकल टू कॉटन, रेयन जो होता है वो आपका बाय केमिकल, नॉट फिजिकल और अदर मेथड्स, ठीक है, ओनली विद केमिकली आइडेंटिकल होता है कॉटन का, यानी कि जो केमिकल प्रोसेस आपका कॉटन में यूज होता है वही केमिकल प्रोसेस आपका रेयन में भी यूज होता है, बट मे बी डैमेज्ड बाय स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज अगर हमने यूज की तो उससे डैमेज्ड हो सकता है, डैमेज्ड बाय स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। इट इज रेजिस्टेंट टू ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट्स एंड स्टेन रिमूविंग एजेंट्स, यानी कि जितने भी स्टेन रिमूवल एजेंट्स होते हैं आपके और ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट्स होते हैं उन सभी का रेजिस्ट करता है, उन सबको एक्सेप्ट नहीं करता। रेयन श्रिंक्स ऑन वॉशिंग, और रेयन भी आपका वॉशिंग के टाइम पे श्रिंक हो जाता है, ठीक है। ये आपकी थी प्रॉपर्टीज। केयर रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग इन लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग के टाइम पे, वॉशिंग के टाइम पे हैंडलिंग बहुत जरूरी होती है कि ध्यान से की जाए। सेफर टू यूज माइल्ड सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, यानी कि माइल्ड सोप और डिटर्जेंट्स का हम यूज कर सकते हैं। केयर हैज टू बी टेकन व्हाइल लॉन्ड्रिंग, ठीक है। तो यही सारी प्रोसेस है कि लॉन्ड्रिंग के टाइम पे आप आराम से केयर करो और माइल्ड सोप्स और डिटर्जेंट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका केयर लेबल, यानी कि जो केयर प्रॉपर्टीज अभी हम पढ़ रहे थे उनमें लेबलिंग क्या होती है केयर की, कैसे कैसे केयर करनी है, ठीक है। फर्स्ट देखो यहाँ पे वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस दी गई है, ये आपके एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है बच्चे, ये बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, ताकि आपको ये ना रहे कि मैम ने इस चैप्टर से ये टॉपिक तो कवर कराया ही नहीं, ठीक है। इधर ध्यान से देखो, इधर दिए गए हैं आपको मीनिंग, ठीक है, इधर आपको मीनिंग दिए गए हैं और इधर वॉशिंग इंस्ट्रक्शन। जैसे कि अगर आपके किसी भी कपड़ा आप कोई भी खरीद कर लाए उस पे इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है 89 डिग्री फ़ारेनहाइट और 29 डिग्री सेल्सियस, और आगे टब बना हुआ है जिसमें पानी है और उसका टेम्परेचर दिखाया हुआ है 29 डिग्री सेल्सियस, तो उसका मतलब होता है कोल्ड वाटर यूज करना है या फिर मशीन का टेम्परेचर जो सेट करना है वो किस पे, कोल्ड वाटर पे सेट करना है। अगर आप हाथ से धो रहे हो तो मतलब ठंडे पानी से धो, लेकिन अगर आप मशीन में भी धो रहे हो, सर्दी का टाइम है तो भी आपको कितना टेम्परेचर रखना है, 29 डिग्री सेल्सियस आपको कपड़े का, वो सॉरी पानी का टेम्परेचर रखना है, ठीक है। ये आपका टेम्परेचर दिया, जिन कपड़ों के लिए ये टेम्परेचर दिया गया, यानी कि आपको ठंडे पानी, अगर 29 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है या फिर कपड़ों पर लिखा हुआ है 89 डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट, तो यानी कि आपको ठंडा पानी यूज करना है। अगर टेम्परेचर लिखा हुआ है 90 डिग्री टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट और 32 डिग्री टू
43 डिग्री सेल्सियस, विच मीन्स यू हैव टू यूज वार्म वाटर, या फिर आप वॉशिंग मशीन का टेम्परेचर सेट कर सकते हो किस पे, वार्म पर, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही आपका जाता है 150 फ़ारेनहाइट और 60 डिग्री सेल्सियस, जिसका मतलब होता है यूज हॉट वाटर और सेट टेम्परेचर टू मशीन एट हॉट। ये फर्क है 29 डिग्री सेल्सियस, 89 डिग्री सेल्सियस ठंडा पानी, उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा 90 डिग्री से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट या 32 से 43 डिग्री सेल्सियस, यानी कि गुनगुना पानी। और अगर 150 से 60 डिग्री सेल्सियस जाता है 150 डिग्री फ़ारेनहाइट और 60 डिग्री सेल्सियस, यानी कि गर्म पानी में कपड़े धुलने हैं, ओके। ऐसे ही फिर लिखा आता है आपकी वॉश साइकिल लिखी आ जाती है, डेलिकेट साइकिल लिखा आ जाता है, वॉश सेपरेटली, वॉश इनसाइड आउट, वार्म रिंस, कोल्ड रिंस, डू नॉट स्पिन, यानी कि जो स्पिनर होता है, जो ड्रायर होता है उसमें नहीं घुमाना है, डू नॉट रिंग, हैंड वॉश यानी कि मशीन से नहीं धुलना है, मशीन वॉश यानी कि हाथ से नहीं धुलना है, ड्राइंग, टम्बल ड्राई, ड्रिप ड्राई, लाइन ड्राई, फ्लैट ड्राई, मतलब बहुत सारे मेथड्स होते हैं आपके। ड्रिप ड्राई क्या होता है आपका, ड्रिप ड्राई होता है ड्राई फॉर शॉर्ट वाइल विदाउट ड्रिंकिंग द वॉटर, ये ज्यादातर जो आपके सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। टम्बल ड्राई का क्या मतलब होता है, टम्बल ड्राई का क्या मतलब होता है, कैन ड्राई ना फ्रंट लोडिंग मशीन, जो फ्रंट लोडिंग यानी कि सामने से जिन कपड़ों को डाला जाता है, यानी कि जो कपड़े क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं उनको हम टम्बल ड्राई बोलते हैं, ठीक है। आयरन के भी लिखे होते हैं, आयरन का तीन यहाँ पे थ्री डॉट्स दिखा रखे हैं, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, दो डॉट्स हैं टेम्परेचर मीडियम, वन डॉट है टेम्परेचर लो, और जिसमें आयरन बन के क्रॉस, यानी कि आयरन करनी ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, केयर लेबलिंग होती है, इनसे डिसाइड होता है कि आपको केयर की लेबल कैसे कैसे करनी है, ठीक है। लेबल के थ्रू आपको कैसे समझना है कि हमें प्रॉपर केयर करनी है ऐसे। तो ये वाला टॉपिक आपकी लास्ट क्लास का था जो कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए तो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट, सॉरी इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं आज वॉशिंग इक्विपमेंट से। लास्ट क्लास में हमने वॉशिंग मशीन आपको पढ़ाया था, जिसमें वॉशिंग मशीन का बताया था, ठीक है, टाइप्स पढ़ाए थे वॉशिंग के। आज हम वॉशिंग इक्विपमेंट की बात करते हैं, उसी टॉपिक को हमने कंटिन्यूएशन में रखा है ताकि कुछ भी स्किप ना हो और आपके माइंड से निकले नहीं, ओके। तो जैसे यहाँ पे हमने बात की है वॉशिंग इक्विपमेंट्स की, कि कौन से वॉशिंग इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं। टू टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ वॉशिंग मशीन्स आर अवेलेबल, ठीक है। वॉशिंग मशीन्स के दो मॉडल्स अवेलेबल होते हैं, वैसे तो अब काफी सारे मॉडल्स आ चुके हैं, लेकिन मेनली जो अवेलेबल होते हैं वो टू होते हैं, जिसमें से एक को नाम दिया गया है टॉप लोडिंग और एक को नाम दिया गया है फ्रंट लोडिंग। टॉप लोडिंग कौन से होते हैं, वेयर द गारमेंट्स आर पुट इनटू द मशीन फ्रॉम द टॉप्स, एंड फ्रंट लोडिंग जहां पे गारमेंट्स को मशीन में डाला जाता है फ्रॉम द फ्रंट साइड, ठीक है। टॉप लोडिंग मशीन में कपड़े हम टॉप से डालेंगे एंड फ्रंट लोडिंग मशीन में कपड़े हम सामने से डालते हैं, ओके। फिर आपकी मशीन्स में कुछ और टाइप्स भी आ जाते हैं इन दो मॉडल्स के अलावा, जैसे कि एक मशीन आपकी होती है फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। दीज मशीन्स हैव अ सिंगल टाइम सेटिंग ऑफ कंट्रोल्स फॉर ईच यूज, दैट इज वाटर फिलिंग, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ वाटर, वॉश साइकिल, नंबर ऑफ रिंसेस, नो फर्दर इंटरवेंशन ऑफ ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड। जो आपकी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होती है उनमें आपको क्या करना होता है कि सिर्फ एक बार आपको सब कुछ सेट करना पड़ता है, कितना वाटर का फिल करना है, कितना वाटर का टेम्परेचर रखना है, वॉश साइकिल यानी कि जो कपड़े घूमेंगे वो कितनी बार घूमने चाहिए, और रिंसेस, ठीक है, मतलब वॉश साइकिल कितनी रिपीट होनी चाहिए, और नंबर ऑफ रिंसिंग कि वो साइकिल हमें कितनी बार रिपीट करनी है। जैसे आपने 15 नंबर ऑफ साइकिल्स डाले तो वो 15 कितनी बार, दो बार, तो 15 30 बार, तो नंबर ऑफ रिंसेस कितने हो गए, 30 हो गए, ठीक है। नो फर्दर इंटरवेंशन ऑफ द ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड, इससे ज्यादा किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है सेट करने की। तो ये हो जाते हैं आपके फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स। देन आपकी आती है सेमी ऑटोमेटिक मशीन। दीज मशीन्स रिक्वायर इंटरवेंशन ऑफ द ऑपरेटर एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, यानी कि इसमें एक
टाइम ऑफ इंटरवल के बाद इसमें आपको फिर से ऑपरेट करना पड़ता है. रिंस वाटर इज सच मशीन्स हैज टू बी फिल्ड एंड ड्रेन आउट विद ईच साइकिल. दीज आर जनरली टू टर्म मशीन्स. इनको टू टर्म मशीन्स भी बोला जाता है. जो हम लोग कुछ लोग ऑटोमेटिक मशीन्स यूज करते होंगे उनको पता होगा कि हमें एक बार ही मशीन को ऑपरेट करना है. जो लोग टू टर्म मशीन्स यूज करते हैं उसमें एक स्पिनर होता है, सॉरी एक वॉशर होता है, एक ड्रायर होता है. तो जब वॉशर में कपड़ों को डाला जाता है टॉप से, टू टर्म मशीन वाली जो होती है वो टॉप लोडिंग मशीन्स होती है मोस्टली. तो जब टॉप से कपड़े उसमें डाले जाते हैं उनमें पानी हमें अलग से डालना पड़ेगा. फिर जब उन कपड़ों को धुल देंगे, बेसिकली अगर आपने दो चार कपड़े व्हाइट धुले हैं तो आप उन्हीं में दूसरे कपड़े डाल सकते हो. बट अगर आपने स्टार्टिंग में कलर वाले कपड़े डाल दिए या गंदे कपड़े डाल दिए तो वो पानी गंदा हो चुका है. आप उस पानी को निकालोगे और एक साफ पानी भरोगे, फिर वापस से डिटर्जेंट डालोगे और वापस से उसको ऑपरेट करोगे, खुद चलाओगे, खुद बंद करोगे. ये सारे प्रोसेस आपका किसमें होता है, सेमी ऑटोमेटिक में. मतलब कपड़े वो खुद धुल देगी लेकिन आपको बार बार ऑपरेट करने की जरूरत पड़ेगी. फुल्ली ऑटोमेटिक में आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, आपकी थर्ड आ जाती है मैनुअली ऑपरेटेड. इन दीज मशीन 50% और मोर ऑफ द वर्क इज मैनुअली डन बाय द ऑपरेटर. यानी कि ऑपरेटर से ही इसमें काम किया जा सकता है. कितना, 50% काम. मशीन्स आपकी देखो, ये आपकी होती है टॉप लोडिंग मशीन्स. इसमें कपड़े ऊपर से डलते हैं, ठीक है, ढक्कन खुला डाल दिया. ये होती है आपकी फ्रंट लोडिंग मशीन. इसमें ये वाला ढक्कन खुलेगा, आपने टीवी में एड भी देखा होगा. इसको खोला जाता है, ठीक है, इसको ओपन करके कपड़े यहीं से डाल दिए जाते हैं. ये हो गई आपकी फ्रंट लोडिंग. और ये होती है आपकी टू टब मशीन्स. इसमें आप देख सकते हैं दो कवर्स हैं. एक है आपका ये ब्लू वाला पार्ट वन पार्ट टू, ठीक है. एक में आपके कपड़े धुलेंगे और दूसरे में आपके कपड़े स्पिन होंगे, ठीक है. तो ये आपके मशीन्स के टाइप होते हैं. अब हम ऑटोमेटिक वॉशर का बात करते हैं कि ऑटोमेटिक वॉशर जो है वो कैसे काम करता है, यानी कि जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है वो वर्क कैसे करती है. तो सबसे पहले आ जाता है फिलिंग अप वाटर, यानी कि पानी को भरती है, ठीक है, खुद ही पानी फिल कर लेगी, बस आपने ऑपरेट कर दिया एक बार. वाटर लेवल कंट्रोल, अब उस वाटर लेवल को कंट्रोल करेगी, ठीक है. वाटर लेवल मशीन ऑटोमेटिकली भी कंट्रोल कर लेती है और मैनुअली, यानी कि आप भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप ऑपरेट कर दिया तो सिर्फ मशीन ही ऑटोमेटिक सेट करेगी, वाटर लेवल को कंट्रोल करेगी, आप खुद भी कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट आते हैं रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर, यानी कि पानी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है. मशीन में एक बटन होता है, डायल और पैनल इंडिकेशन, ठीक है. एक बटन होता है, एक डायल होता है, एक पैनल इंडिकेशन होता है जो परमिट करता है, यानी कि अलाउ करता है, परमिशन देता है किसकी, सिलेक्शन ऑफ डिजायर टेम्परेचर ऑफ वाटर की. आपको वाटर का जो टेम्परेचर है वो कितना रखना है, ठीक है, इसके लिए परमिशन देता है. ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए परमिशन देता है. द टेम्परेचर में बी सेम फॉर वॉश एंड रिंस और डिफरेंट फॉर द टू ऑपरेशंस. यानी कि किस टेम्परेचर पर आपने कपड़ों को धोया है और पानी निकाला है, या फिर जो दो अलग अलग ऑपरेशन हुआ था उसके लिए टेम्परेचर सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, ठीक है. दोनों ऑपरेशन के लिए. कौन से दोनों ऑपरेशन के लिए? कपड़ों की धुलाई करना डिटर्जेंट्स के साथ और फिर उनको रिंस करना क्लीन वाटर से निकालना, ठीक है. तो उसके लिए टेम्परेचर आप सेम भी रख सकते हो और उसको चेंज भी कर सकते हो. देन आता है आपका वॉशिंग. द प्रिंसिपल ऑफ ऑल वॉशिंग मशीन इज टू कीप द फैब्रिक इन मूवमेंट, ठीक है, इन द वॉशिंग सॉल्यूशन. यानी कि वॉशिंग सॉल्यूशन में जो फैब्रिक है वो मूवमेंट में रहना चाहिए, स्पिन करते रहना चाहिए, कैरी अवे द डर्ट, जिससे गंदगी बाहर निकल जाए. इसके भी कुछ मेथड्स होते हैं वॉशिंग के, वो हम देखते हैं. जिसमें फर्स्ट आपका आ जाता है एजिटेशन. एजिटेशन मैंने अभी बताया था, मूवमेंट ऑफ वाटर. दिस इज यूज इन टॉप लोडिंग मशीन्स. जितनी भी आपकी टॉप लोडिंग मशीन्स होती हैं उसमें एजिटेशन इजीली देखने को मिल जाता है. द एजिटेटर हैज ब्लेड्स. एजिटेटर में क्या होते हैं, छोटे छोटे से ब्लेड्स होते हैं विच मे रोटेट, जो घूमते हैं, मूवमेंट इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में वो ब्लेड्स घूमते हैं और ऑसिलेट, ऑसिलेट को भी घूमना ही बोला जाता है, ठीक है. विच कॉज वन डायरेक्शन, या फिर दूसरी डायरेक्शन में, विच कॉज द क्रिएशन ऑफ अ करंट इन द टब फोर्सिंग वाटर इनटू द फैब्रिक.
इस मूवमेंट की वजह से, इस एजिटेशन रोटेटर की वजह से ही क्या होता है, जो वाटर होता है उसका मूवमेंट होता है और वो फैब्रिक में फोर्सली घुस जाता है, जिसमें सर्फ और आपके सोप्स यानी कि साबुन एडेड है और वो फैब्रिक से सारी डर्ट को निकाल देते हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या हुआ आपका, एजिटेशन। देन आपका आ जाता है पल्सेशन। दिस इज ऑल्सो यूज इन टॉप लोडिंग मशीन। इसको भी टॉप लोडिंग मशीन में मोस्टली यूज किया जाता है। द मूवमेंट इज कॉज्ड बाय अ वर्टिकल पल्सेटर। एक वर्टिकल पल्सेटर होता है जिसका जो मूवमेंट्स होता है वर्टिकली वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है, इसलिए इसको नाम दिया पल्सेशन। टम्बलिंग एक और वॉश मेथड होता है। दिस इज यूज्ड इन फ्रंट लोडिंग मशीन, यानी कि जिसमें सामने से कपड़े डालते हैं। वॉशिंग टेक्स प्लेस इन अ हॉरिजॉन्टली प्लेस सिलेंडर, यानी कि एक हॉरिजॉन्टली सिलेंडर रखा हुआ होगा, उसमें वॉशिंग होगी, विच इज परफोरेटेड एंड विच रिवॉल्व्स इन अ पार्शियली फिल्ड टब। जो आधा फिल्ड होगा उस टब में उसको हम डालेंगे फैब्रिक को, और वो पार्शियली मतलब आधा फिल्ड होगा विच रिवॉल्व्स, जो कि राउंड राउंड घूमेगा। विद ईच रिवॉल्यूशन, हर एक राउंडनेस के साथ जब एक चक्कर लगेगा, द क्लोथ्स आर कैरीड टू द टॉप एंड देन ड्रॉप इन द वॉश वाटर, यानी कि कपड़े एक बार ऊपर जाएंगे, फिर नीचे पानी में जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे पानी में आएंगे, ठीक है, ऐसे चलता रहता है, इसलिए इसको नाम दिया गया टम्बलिंग। ओके, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना यहाँ तक, समझ में आ रहा है सभी को अच्छे से? बच्चे रिस्पॉन्स दे दीजिए। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है रिंस, रिंसिंग, ठीक है। दिस इज द इम्पोर्टेंट फेज इन द वॉश साइकिल। वॉश साइकिल में रिंसिंग एक सबसे इम्पोर्टेंट फेज क्यों माना जाता है? इफ द रिंस इज नॉट थोरो, द क्लॉथ्स में लुक ग्रे एंड डल एंड हैव अ हार्श टेक्सचर। अगर रिंसिंग अच्छे से नहीं हुई है, धुलाई अच्छे से नहीं हुई है, तो जो कपड़ा होगा वो गंदा दिखेगा, डल दिखेगा, ग्रे दिखेगा, उनका जो टेक्सचर होगा वो भी कैसा होगा, हार्श होगा, यानी कि बेकार होगा, टाइट होगा। वाटर एक्सट्रैक्शन, अब पानी को मशीन से निकालना कैसे है? वाटर इज एक्सट्रैक्टेड आफ्टर द वॉश फेज, यानी कि जैसे ही वॉशिंग कंप्लीट हो जाएगी, रिंसिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद वाटर को निकाला जाएगा। एंड आफ्टर ईच रिंस फेज ऑफ द साइकिल इट कैन बी डन इन थ्री वेज, यानी कि तीन तरीकों से हम वाटर को निकाल सकते हैं। उनमें से पहला तरीका क्या आता है? स्पिनिंग मेथड। स्पिनिंग मेथड से हम मशीन से पानी को निकाल सकते हैं, जैसे कि स्पिनिंग एट स्पीड्स ग्रेटर देन 300 rpm। अगर हम 300 rpm से ज्यादा पे स्पिनिंग रखते हैं, विच जनरेट्स अ सेंट्रीफ्यूजल फोर्स, अगर वो सेंट्रीफ्यूजल फोर्स रखती है, विच इन टर्न थ्रोस द वाटर अप एंड आउट, दिस वाटर इज पंप डाउन द ड्रेन, जिसकी वजह से पानी क्या होगा, ऊपर नीचे होगा, सेंट्रीफ्यूजल फोर्स होगा, पानी बार बार ऊपर आएगा, नीचे आएगा, और उसकी वजह से वो पंप्ड डाउन हो जाएगा, यानी कि पाइप के थ्रू निकल जाएगा, ठीक है। फिर आपका आ जाता है बॉटम ड्रेन, यानी कि मशीन के नीचे से। मशीन्स विद परफोरेटेड टब्स, जिन मशीन्स में टब्स होते हैं, स्टॉप एट द एंड ऑफ वॉश फेज एंड देन एट द एंड ऑफ द रिंस फेज एंड ड्रेन थ्रू द बॉटम। जिनमें टब्स होते हैं उनको रोका जाता है वॉश फेज पे और रिंस फेज पे, और उनका जो पानी होता है उसको बॉटम के थ्रू निकाला जाता है। एट द एंड ऑफ द ड्रेन पीरियड द टब बिगिंस टू स्पिन एज डिस्क्राइब्ड अबव, विच रिमूव्स द रिमेनिंग वाटर फ्रॉम द क्लोथ्स। यानी कि बॉटम ड्रेन क्या होता है, एक ड्रायर आपने मशीन में देखा होगा, जो टू टब्स में ड्रायर होता है, आप उसमें कपड़े डालते हो, उसको रोटेट जब कराते हो तो कपड़े रोटेट होते हैं, पाइप के थ्रू सारा पानी निकल जाता है। वही बोला गया है बॉटम ड्रेन की, कपड़े जब धुल जाते हैं तो जो नीचे बॉटम में पाइप लगा हुआ होता है उसके थ्रू पानी सारा निकल जाता है, तो विच इज बॉटम ड्रेन। फिर एक कॉम्बिनेशन आता है बॉटम ड्रेन का और स्पिनिंग का। सब मशीन ड्रेन थ्रू द बॉटम विदाउट स्टॉपिंग, बिना स्टॉप किए ही कुछ मशीन ऐसी होती है कि वो पानी को निकाल देती है, यानी कि बॉटम ड्रेनिंग अकर्स ड्यूरिंग द स्पिन पीरियड, की एक साइड आपकी मशीन स्पिनिंग कर रही है और पानी भी निकल रहा है। दिस सिस्टम प्रोवाइड्स द बेस्ट वाटर एक्सट्रैक्शन बिकॉज इट कैन रिमूव द हैवी डर्ट एट द बॉटम एंड डर्ट इन सस्पेंशन इन वॉटर, यानी कि जितनी भी धूल जमा हो गई है उसको भी ये आसानी से निकाल देता है, और जो वॉटर का जो सस्पेंशन बना है उसमें जो धूल है
उसको भी निकाल देता है। इसलिए कॉम्बिनेशन जो हुआ आपका बॉटम ड्रेन का और स्पिनिंग का उसको बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपका केयर एंड मेंटेनेंस का पार्ट, ठीक है, जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चे, कोई भी अगर क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आई या कोई वर्ड समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे चैट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का वेट कर रही हूँ। तो आई होप किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट नहीं है। तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है, चलिए फिर। तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चे, कल शाम को फिर मिलेंगे 5 बजे न्यू लेक्चर के साथ, न्यू क्लास के साथ, ठीक है। आज स्ट्रेंथ बहुत कम है बच्चों की, अगर आपके कॉन्टेक्ट में आपके फ्रेंड है तो उनको बोलिए कि रेगुलर क्लास लें, क्योंकि चीजें समझ में नहीं आएंगी अगर स्किप होती रहेंगी तो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग टुडेज लेक्चर, तब तक टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड, ओके, मिलते हैं कल शाम 5 बजे।